कल जनसंपर्क में जैसा पत्रकारों से बातचीत हुई उससे लगता है कि इस सरकार ने प्रदेश के हर क्षेत्र में भय का वातावरण निर्माण करने की कोशिश की। पहले अन्य क्षेत्र थे, अब तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ अखबारों को भी मीडिया को भी इसके लपेटे में ले लिया है। पहले उन्होंने वेबसाइट पर विज्ञापन बंद कर दिए, उसके बाद में उन्होंने छोटे मझोले अखबारों पर तालाबंदी की कोशिश की। अब जांच के नाम पर मीडिया समूह से कागजात मांगे जा रहे हैं। 26 जनवरी जैसे पवित्र दिन की भी विज्ञापन से कोई नहीं की गई। कमलनाथ जी की सरकार आपातकाल में जिस तरह से इंदिरा जी ने मीडिया को सेंसरशिप कर दिया था, उस तरह से अघोषित आपातकाल उन्होंने प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया जगत पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों पर किया है, जिसे मैं अच्छा नहीं मानता हूं। ये चाहते हैं कि ये जो बोले वही मीडिया बोले, ये जो कहे वही मीडिया कहे, जो चलाए वही मीडिया चलाए, जो संभव नहीं है। मीडिया अपने आप में स्वतंत्र इकाई है, इनका ये तरीका बहुत गलत है, चिंतनीय है।